रात का काम हमारा सारा ख़त्म हो गया है। मेरा बहुत तेज़ हेड पेन हो रहा है, प्यास लग रही है बहुत तेज़, पानी पीने का मन कर रहा है। और अभी टाइम हो रहा है 10 बजे, 2 घंटे बाकी है अभी। तब तक हम छप्पन भोग तैयार करते हैं, बच्चों को मैंने सुला दिया है। जो छप्पन भोग हमने मंगवाए हैं या तैयार करे हैं वो अभी हम रेडी करेंगे, उसमें भी 1-1.5 घंटा लग जाएगा। और जब तक हम इन सब चीज़ों से फ्री होंगे तब तक 12 बजे जाएंगे। फिर उसके बाद फास्ट खोल के मैं आपको टोटल चीज़ें दिखाऊंगी, कैसे हम अपनी कान्हा जी का केक कट करवाएंगे, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। सॉरी, कैसे हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट करवाएंगे, कैसे हम छप्पन भोग लगाएंगे। और रीना ने आपको दिखाई दिया है, बताई दिया है कि छप्पन भोग ठाकुर जी को किस लिए लगाए जाते हैं। तो ये था मेरा जन्माष्टमी का व्लॉग, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अभी जो भी होगा आगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बाकी है बहुत सारा। और जो मेन और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो भी अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है। तो जो भी चीज़ें आपको जैसी भी लगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 बता के जाना। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। और इस बार एक चीज़ को लेके मेरा दिमाग बिल्कुल हो गया है ख़राब। मैं मंदिर डेकोरेट करना चाहती थी लेकिन इस बार वो हो ही नहीं पाया, बलून्स तो लाना भाई सब भूल गए। और मैंने फूल, यानी कि मैंने बोला था बहुत सारे फ्लावर्स ले आना, अलग अलग जिस भी टाइप के यहाँ पे मिले वो ले आना, मैं उनसे ही एडजस्ट कर लूँगी। लेकिन वो भी नहीं मिले हमारे आसपास, वो भी नहीं मिले। लेकिन उसकी वजह से मेरा दिमाग इतना ख़राब है कि इस बार मंदिर भी डेकोरेट नहीं हो पाया है। लेकिन जैसा हो सकता है मैं और इन अपनी तरफ से करेंगे। और मैं चाहती थी लेकिन मंदिर डेकोरेट करूं, इस बार हो गया, ये नेक्स्ट टाइम मैं ये नहीं होने दूंगी। तो चलिए अभी हम छप्पन भोग रेडी करते, दिखाते हैं आपको कैसे करेंगे। तो हमारे ठाकुर जी के छप्पन भोग लगाने की होने लगी तैयारी, चलिए अब उनको सेट करवाते हैं। छप्पन भोग में क्या क्या होगा मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगी। कुछ चीजें यहाँ है, कुछ अंदर रखी है। तो अरे रखूंगी दो सेम है। सेंटर फूड भी खाते कान में? हाँ, सब कुछ खाएंगे कान में। एक और इसके साथ के बड़ा दोस्त 20-20 50-50 बोल ये छोटे वाले ले आती ना, बड़े वाले क्यों ये अब आए शाम के टाइम में आ जाए, जो सारे बड़े जो मैं कल ले गई ना, मैं दोनों के हिसाब से मैं छोटे ले गई। जो 56 में कम रहेंगे फिर अभी कर देंगे पूरा नाम।
देखे सही है। छप्पन हो गए पूरे। चेक कर रहे क्या क्या खाने लायक है। ये लगा तो दिए। ठीक भोग तो लगाओगे तो तुम मम्मी पापा मेरे तो नहीं लगाएंगे। देखियो क्या आयु घेवर घेवर नई मिठाई है जो लाइक चमचम तो रहे हो यूले चमचम चमचम ये रसगुल्ला सफेद काला है सफेद यू भी वैसा वाला रसगुल्ला आ जाओ अब क्या खाओगे तो रात को ही खाओगे दूध पी ले एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस क्या रखा क्या रखा जो हम कर रहे ना दूध रख दो दूध 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 हाँ दूध तो हमने दूध रखो दूध रखो इनके एक गिलासिया कर देना गिलासिया में छप्पन भोग के बाट में जा रहे छप्पन भोग को वेट कर रहे बारह कदम थोड़ा थोड़ा खाने से भूख लगा के अपने मुंह कद पा रहे तो भरती है तो कैच देता अब तक मामले तो यार कारण से भोग लगते तो नौ लगता देख बोल रही हूँ ना एक सॉरी ने तो लगा दिया दोपहर सॉरी बर्फी लेगा चोर के अनुकार मेरे झूठा नहीं किया था मैं तो एक अलग से ही निकाल के ले गया था पीछे को जा वो पीछे को दिखाऊं तेरे सूट दिखाऊं देखो देखो मैं नए तरीके से तले का पैंट पहनी थी थैला स्पीड से ऐसा मारूंगी पड़ा ओ लत्ती का तो चीखनी हुई पड़ी है का करूं खाना बनाया था सारा का करूं खाना बनाया का करूं या ने खाना बनाया था क्या सुंदर लग रहा नु तो बता दे हमें और मोटा पर सिर चढ़ के बोल रहा लेने की बात कर रही है पता है मेरा दुपट्टा जो ऑयली ऑयली इसलिए हो रहा है मैंने सारा खाना बनाया था तो फ्री बैठी थी तो बढ़ती थी तो इसलिए मैंने तेरे ऊपर रहम कर दिया इसलिए छप्पन भोग के इंतजार में रहम करो सुबह घर में जितने बर्तन सारे धर दी मोने को
इन्हें दूध है। मैंने कितनी बार दूध दिया पता है? दूध दे रही ना ये भरती है मार्केट रोड तक से अंदर। एक किलो बर्फी खा ली ऊपर तो उतार के इतने काहे के भरती हो फिर तो चले जाओ। क्यों भगवान ने डांस की स्पाइस दे कितना मलोक लौंडा एकदम। तब पता मैंने सुबह छप्पन भोग इकट्ठे करे कैसे कैसे अभी सो रही ना डर के मार के दी सो जा रही आगे भोग सब हो जा। अब मैंने छप्पन भोग जैसे इकट्ठे करे मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा जी के लिए छप्पन भोग इकट्ठे कर पाई मुझे उम्मीद नहीं थी मैं कर पाऊंगी ऐसे मैं कर पाई ठीक है। अब अगर जैसे मैं सो गई तो छप्पन भोग में जीरो भोग मिलेंगे मिलेंगे धरे छप्पन इतने बुरे रात को पराठा ना खाए चाहे सब्जी ना खाए भरत घोरने को सौदा खा जाएंगे ठीक है। और कोशिश ये करेंगे कि लुभका ले कल के लिए जब पेट भर जाएगा तो उठा के भी रख सकते हैं लुभका ले ये कोशिश भी करेंगे। तो इसलिए मैं बैठी रहूँगी इनकी चौकसी में देखूंगी जितना खाएंगे उतना खाओ खाने के लिए मना पर ये नहीं तुम लुभका के अंदर लो ये खान भी ना देगी अभी रात को दिखाऊंगी तो इनके रास्ते तो गुदंगे भूख लग जाएगी बाकी संजीव कैसे कर देंगे थोड़े बहुत इनके अभी तक मुंह फट रहे रात को क्या हो गया। Yeah.
तो ये था मेरा जन्माष्टमी का पूरा व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर करा है। हमने 56 भोग तो लगा लिए, लेकिन फिर भी माइंड थोड़ा अपसेट था क्योंकि हमें मंदिर डेकोरेट करना था। लास्ट ईयर तो मेरा अच्छे से हो गया था, इस बार नहीं हो पाया, तो 56 भोग लगा लिए। इस बात की बहुत खुशी थी, बहुत मन शांति थी मन को, लेकिन फिर भी मंदिर डेकोरेट नहीं हो पाया। तो चलो जो भी है मैंने आपके साथ शेयर कराया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।